वेलकम क्लास, क्या हाल है? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, जो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि वो किस तरह से जो है वो ऑरेंज कलर आ रहा था, तो उस तरह का एक कलर हम बनाते हैं कि किस तरह से हम बना सकते हैं। और उसके लिए बस एक चीज़ का जो हमें ख्याल रखना है, वो ख्याल रखना है कि हमारी जो भी वीडियो हो वो HD होनी चाहिए, तभी वो क्वालिटी निकल के आएगी। अच्छा, हमारे पास भी एक वीडियो है, हम इसको ड्रैग कर लेते हैं अपने पास और ये ड्रैग कर देते हैं हम यहाँ पे। मैंने कहा अपनी मर्ज़ी की सेटिंग्स जो है उसी को रखो। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, ये स्पेसिफिक उस काम के लिए तो नहीं बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन ये एक क्लिप है हमारे पास बना हुआ, ठीक है, जिसमें रेड कलर है, ब्लैक कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, लेकिन इसके अंदर रेड कलर और ब्लू कलर थोड़ा सा अलग है। अगर ये ग्लव्स दूसरे हाथ में भी रेड होता तो ये रेड कलर बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम हो गया, अगर मैं रेड को फोकस करूँगा तो रेड इसकी स्किन के अंदर भी होगा तो ये रेड नहीं निकालेगा। तो मुझे जो भी काम करना होगा वो थोड़ा सा देख कर करना होगा कि हम क्या क्या चीज़ें किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से सेव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या करना है, मैंने कहा एक इस वीडियो को सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज़ बड़ा करूँगा, क्योंकि ये वाला जो मेरे पास पार्ट आ रहा है ना, सॉरी, ये वाला जो मेरे पार्ट आ रहा है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है इस ब्लू में और इस ब्लू में, तो ये कट करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा मुझे एक काम करो, इसका साइज़ 115 कर, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। मैंने कहा 110 पे क्या कह रहा है, 110 सही है, ठीक। सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने ये काम किया कि हमने यहाँ पे इफ़ेक्ट में गए, इफ़ेक्ट में जाने के बाद वीडियो इफेक्ट में गए, वीडियो इफेक्ट के अंदर जाके हमने इमेज कंट्रोल ओपन किया। मैंने कहा इसके अंदर जो कलर है, हाई पास से हम कलर पास से हमने ये काम करा था, यहाँ पे अगर मुझे ब्लैक एंड वाइट वीडियो करनी है, ये मैं सारे बता देता हूँ, चलो देख लो। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा ब्लैक एंड वाइट वीडियो करनी है तो ये ब्लैक एंड वाइट वीडियो कर देगा, इसके अंदर कोई कलर नहीं आ सकता, इसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है ब्लैक एंड वाइट के अलावा। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट वीडियो करनी है तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट वीडियो कर सकते हैं, इसमें कोई भी दूसरा कलर नहीं आएगा और तीसरा कलर नहीं आएगा, इसमें सिर्फ ब्लैक और वाइट रहेगा। इस चीज़ को याद रखते हैं कि आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कलर इजीली कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया। दूसरा का आता है, कहता है कि कलर बैलेंस RGB। मैंने कहा ये पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ इसके ऊपर, अब ये बता रहा है कि इस वक्त 100% आर है, 100% जी है और 100% ब्लू है। अगर मैं इसमें से ब्लू लेस कर दूँ तो इसमें से ब्लू लेस हो जाएगा, जिसके अंदर आपके पास रेड और ग्रीन कलर आ जाएगा, दिखा रहे हैं कि रेड ग्रीन कलर कितना आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैं अगर 100% ब्लू कर दूँ और 0% ग्रीन कर दूँ तो इसके अंदर ग्रीन बता रहे हैं कि ग्रीन कलर कहाँ कहाँ आ रहा है, और इसके अंदर 100% ग्रीन करके 100% रेड कर दूँ, लेस कर दूँ, ओ सॉरी 100 बल्कि ये ज़ीरो कर दिया तो ये रेड आ रहा है। मैंने कहा एक काम करो, ये 100 करो, ये ज़ीरो करो और ये ज़ीरो कर दो, तो अब इसके अंदर पूरे एनवायरनमेंट में रेड कलर जहाँ आ रहा है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह से उस वीडियो के अंदर ऑरेंज कलर को मैं निकाल के दिखाया, निकाला होगा कि ये ऑरेंज कलर कहीं नहीं आना चाहिए, ये जो रेड टोन आ रही है, ये रेड टोन देखो ये यहाँ पर भी आ रही है, तो मुझे रेड टोन इसमें से निकालनी होगी किसी भी तरह से। मैं इसको और भी इफ़ेक्ट लगा के इसके अंदर से रेड टोन निकाल सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे जो है वो इमेज इसमें जाके क्या कहते हैं कलर करेक्शन के अंदर जाके, चेंज कलर पे नहीं, कलर बैलेंस के अंदर मैं जाऊँ, ठीक है, कलर बैलेंस में से मैं शेडोज़ पे नहीं, कलर बैलेंस को यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे मिक्स कलर को यूज़ करूँगा, इसमें से मैं रेड लेस करता जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता, देखो ये रेड लेस हो रहा है, रेड ऐड हो रहा है। मैंने कहा रेड और ग्रीन है यहाँ पे, ओ सॉरी, रेड और ग्रीन कोई है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, रेड के साथ कोई ब्लू मैच हो रहा है, देखो ये कोई भी कलर यूज़ नहीं हो रहा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त रेड दिख रहा है, रेड इसके अंदर भी कहीं आ रहा होगा सिल्वर में, ठीक। मैंने इसमें से कोई और कलर लेस कर नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है,
इसको कलर मिक्सचर को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। मैंने कहा एक बार ट्राई कर लूँ, नहीं इसमें प्योर रेड है। मैंने क्या किया, मैंने कहा हाँ ठीक है एक काम इसको करो, तीनों कलर बैलेंस करो ठीक है, और मुझे रेड फोकस करना है। तो मैंने थोड़ा सा क्या काम किया, मैंने कहा एक काम करो इसके अंदर जाके वही कलर अप्लाई करो, कलर पास जाके अप्लाई करो, और कलर पास के अंदर से इसमें से रेड सेलेक्ट कर लो। रेड सेलेक्ट हो गया, अब कलर की सिमिलैरिटी मैंने बढ़ाई ठीक है। मैंने कहा अब देखो ये कहीं ब्लू आ रहा है, मैंने कहा ब्लू को लेस करो। देखो मैंने ब्लू को लेस किया, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, यहाँ ब्लू आ रहा था। मैंने कहा ग्रीन को भी ज़रा लेस करो, नहीं ग्रीन को लेस नहीं करो, ग्रीन को आने दो, इतना ग्रीन नहीं है। ये देखो ये वाली सिचुएशन बन गई हमारे पास। हाँ मैं फिर बोलूँगा कि ये 100% वही सिचुएशन नहीं आई ठीक है, ये थोड़ी सी चेंज है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि मेरी वीडियो के अंदर रेड टोन होगी, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ गिर रही है इसके अंदर आ रही है। मैंने कहा फिर भी मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया कि मैंने इसके अंदर से वो कलर निकाल लिया। ये देखो ठीक, इवन एक रेड पॉइंट भी था वो भी निकल के आ गया ये चीज़। मैंने कहा मैं प्ले करता हूँ, अब हाथ नज़र आ रहा है क्योंकि हाथ के अंदर मैंने बताया कि रेड कलर है, रेड कलर स्किन में होता है डेफिनेटली, आपकी जो है ब्लड के अंदर होता है रेड कलर, तो ये रेड कलर निकलेगा डेफिनेटली निकल आएगा। तो ये अगर रेड कलर का ग्लिप्स ना होता, ये इतनी स्पीड से गुजर रहा होता आपको फील भी नहीं होता। ये तो हमने इतना हाईलाइट किया हुआ है इस पॉइंट को कि रेड कलर ज़्यादा हाईलाइट हुआ हुआ है, हमने अब फोकस ही हमारा रेड कलर है और हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अगर ये नॉर्मल बंदा देखेगा जो इस चीज़ को जानता भी नहीं है, वो यहाँ पे डेफिनेटली कंफ्यूज होगा। ओह सॉरी कंफ्यूज कह रहा हूँ, यहाँ पे वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा कि उसको देखेगा कि ब्लैक एंड वाइट के अंदर एक रेड कलर की हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट बनाए हुए होते हैं कि इस तरह की चीज़ें बनाएंगे तो ये काम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के अंदर एक सिंगल कलर निकाला हुआ होता है तो वो इस तरह से बनेगा, वो कलर बैलेंस और हाई पास से बनेगा, लेकिन उसका शूट भी उसी तरह से किया जाएगा कि किस तरह से शूट किया जाएगा। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ब्लैक एंड वाइट वीडियो करके एक स्पेसिफिक कलर निकलेगा तो ऐसा नहीं होगा, वो पूरे क्लिप को ब्लैक एंड वाइट ही करेगा, अलग से पीस नहीं निकाल सकता ठीक है। तो आप एक कलर निकालने के लिए ये काम कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में ज़रूर याद रखिएगा कि एनवायरनमेंट के अंदर वो कलर होना आपके पास ज़रूरी है कि वो हाईलाइट हो रहा हो, बाकी कलर इतने ज़्यादा फोकस नहीं हो रहे हो, बाकी एनवायरनमेंट के अंदर वो कलर ना ही हो। ठीक है इस तरह से इस क्लिप के अंदर आ रहा है, ये देखो यहाँ परफेक्ट रेड कलर आ रहा है, अलग ही दिख रहा है आपको रेड कलर का उसका गेयर बना हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं डिलीट कर दूँ, ये देखो ब्लू कलर कितना हाईलाइट हुआ। ब्लू इसलिए हो रहा है कि इसकी बाउंस करके लाइट इधर मिल रही है और ग्रे के अंदर कहीं ना कहीं ब्लू कलर आ रहा है। ओरिजिनल ये था, इफेक्ट के साथ हमने इसको ये कर लिया। मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, इसमें रेड थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, ब्लू कलर इतना फोकस नहीं है। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा सा लुक दे रहा है, डेफिनेटली मज़ा आ रहा है इसको भी देखकर ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की एक चीज़ बन सकती है जो मैंने आपको दिखाई, कलर पास के थ्रू और कलर बैलेंस के थ्रू, ये दो काम हो सकते हैं ठीक। कलर बैलेंस और ये डिलीट कर दिया। अच्छा रिप्लेस कलर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, वो कह रहा है कि कौन सा है, रेड और ग्रीन, नहीं जरूरी नहीं है ये रेड और ग्रीन हो, ये जैसी वीडियो होगी वैसी दे रहा होगा। मैंने कहा रेड कलर रिप्लेस कर दो ग्रीन से, अब वो कलर एडजस्ट कर रहा होगा खुद ही से, मैं नहीं कर सकता उस पर एडजस्ट। ये देखो अब उसको जहाँ जहाँ वो रेड मिल रही होगी टोन, मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करो ब्लू कर दो, ब्लू तो बहुत मिल रहा होगा बहुत, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ब्लू है, ज़्यादा अरेंज कर दी। ये देखो इतना ख़ास ही अप्लाई नहीं करेगा, कलर चेंज इतना नहीं करेगा। रेड देखो हाँ रेड हो गया काफ़ी हद तक। फिर वही सिचुएशन है कि मुझे इसको कलर बैलेंस पहले करना पड़ेगा कि कलर बैलेंसिंग किस तरह से करेंगे, वो करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो इसका कोई ख़ास काम हम नहीं कर सकते कलर रिप्लेसमेंट का। अच्छा एक मेरे पास है गामा करेक्शन। गामा करेक्शन क्या कर रहा है, गामा करेक्शन
मैं इसको इंक्रीज करूँ सॉफ्ट हैंड से, ये देखो ये उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा, जो लाइट जहाँ ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है, जहाँ मुझे लाइट ज़्यादा मिल रही होगी मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ। गामा करेक्शन माइनस में लेके जाऊँ तो वाइट कर देगा, ठीक है। इधर लेकर आऊँ, ये 28 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, सही, ये 28 हाईएस्ट मार्क्स है, और हाईएस्ट रेट है इसका। इससे गामा करेक्शंस पे हम काम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास है कि कलर हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें मैंने एक वीडियो भी दिखाई कि मैंने क्या बनाया। अब हम वापस आते हैं इसके अंदर, ब्रॉडकास्ट कलर, चेंज कलर, चेंज कलर ये मैंने शायद बताया था, मैं इधर कर दूँ। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि चेंज कलर क्या था हमारे पास। इसको मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये चेंज कलर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, चेंज टू कलर बता दिया था, इस कलर से ये चेंज हो जाए, ठीक है, ये बता दिया था। अच्छा, चैनल मिक्सर ये मैंने डाला, आपको बहुत अच्छे से पता है RGB चैनल मिक्सर होते हैं, ठीक है, हमारे पास मोनोक्रोम में दिखा रहे हैं कि कौन सा कलर ज़्यादा हाईलाइट है, कौन सा कलर नहीं है। अगर मुझे इस पूरे एनवायरनमेंट में, ठीक है, रेड लेस करना है, यानी सॉफ्ट हो रहा है मेरा लेस, ओ सॉफ्ट हो रहा है मेरा रेड, हाईलाइट करना है मुझे रेड, वरना ये डिफॉल्ट 100 है। रेड और ग्रीन को डिस्टर्ब करना है, यानी एक टोन देनी है मैंने ग्रीन और येलो की, वो कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, रेड और ब्लू को वही चेंज कर दो। अगर मैं इसको हाई करूँ, देखो ब्लू कलर की टोन हमारे पास ज़्यादा हो गई है, ये आपको रिफ्लेक्शन के अंदर ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है, हटा दूँ तो ये रेड दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से ये कोई चेंजिंग आ सकती है। मैंने कहा रेड के कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी लाइट उसके अंदर ऐड करो, रेड का एनवायरनमेंट ज़्यादा हो गया। इसकी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, इस यूट्यूब के अंदर आप वीडियोज़ देख रहे हैं, इस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर एक ब्राउन कलर की टोन है, ठीक है, एक ब्राउन कलर की टोन है, ये कलर करेक्शन कराई जाती है, बेसिक कहलाई जाती है, ये बेसिकली ब्राउन कलर की टोन आ रही है पूरे इन्वायरमेंट में। इस पूरे गाने में एक ब्लू कलर की टोन आ रही है, ठीक है, इसमें एक ग्रे कलर की डार्क टोन आ रही है, इसमें रेड टोन आ रही है, इसमें ब्राउन टोन आ रही है, इसमें पर्पल कलर की टोन आ रही है, ये पूरी ब्लैक एंड वाइट वीडियो बनी हुई है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी गाना प्ले करता हूँ, मैंने जैसे ये प्ले किया, देखो इसके अंदर क्या हुआ, पहले इस ऐड आएगा, ठीक है, इसमें देखो पूरे में ब्लू कलर की टोन चल रही है, ठीक, मैंने कहा एस्केप करो, इसमें ब्लू चल रही है पूरी, एक लाइट ब्लू कलर का कलर पूरे एनवायरनमेंट के अंदर दिख रहा है, पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो मैं कोई डिफरेंट दिखाऊँ, इसके अंदर देखो एक रेड टोन दिखेगी, RGB में रहेगा, डिफरेंट टोन में नहीं आएगा, इसमें पूरी इमेज के अंदर एक रेड कलर आ रहा है। मैंने कहा इसके अंदर देखो एक पर्पल कलर आ रहा है, इमेज है लेकिन एक पर्पल टोन आ रही है, इसमें देखो एक ग्रीनिश ब्लू टाइप का आ रहा है कलर, ये देखो एक डिफरेंट इफेक्ट में आ रहा है, नहीं ये ओरिजिनल तो नहीं है, खैर इफेक्ट लगाए हुए इसके अंदर, मैं कोई ओरिजिनल सा गाना लगाता हूँ, ये जो लगाते हैं इसके अंदर ब्राउन टोन है इस गाने में, देखो पूरा एक ब्राउन इन्वायरमेंट है, डे लाइट है, ये डेफिनेटली ब्राउन में जाएगी, येलो में जाएगी। देखो पूरा ब्राउन टोन है, मैंने कहा और कोई दिखा दूं, इसमें बड़ा कलरफुल सा गाना है और ब्लू टोन पे गाना है पूरा एनवायरनमेंट, क्योंकि सनलाइट क्या आ रही है और अच्छे कलर आ रहे हैं, इसमें ब्लू सी टोन आ रही है, ग्रीन तो डेफिनेटली एक थोड़ा वो एक डिफरेंट सी चीज़ है कि ग्रीनरी उस एनवायरनमेंट में मिल रही है, लेकिन इसमें पूरी एक ब्लू टोन है। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं, वापस हम आते हैं प्रीमियर पे। ये क्या चीज़ है कि ये इस तरह की टोन्स यहाँ से आ सकती हैं कलर मिक्सचर से। मैंने कहा इसके अंदर थोड़ा ब्लू हाईलाइट कर दो, देखो कैसा एनवायरनमेंट हमारे पास हो गया, डिफरेंट कलर का लुक आ रहा है। मैंने कहा रेड थोड़ा कम कर दो, ये देखो एक ब्लू की टोन आ गई इस एनवायरनमेंट में, एक क्लियर सी इमेज आ रही है। मैंने कहा थोड़ा सा ब्लू मुझे अच्छा मिले,
रेड और ब्लू को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ये देखो मैं इसको ये देखो ये कितना फीका फीका सा लग रहा है, ये थोड़ा सा उसके अंदर एक इफेक्ट के साथ एक लुक दे रहा है वीडियो के अंदर। यानी कि चेंज कर दो, ये देखो ये देखो, ये कलर करेक्शन का पूरा ऑप्शन है। आगे भी आप चल के इसके अंदर देखेंगे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। इससे हम कलर मिक्सचर से डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट भी दे सकते हैं, डिफरेंट कलर टोन्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये टोन हमारे पास क्या काम कर रही होती है, ये टोन्स हमारे पास यही काम कर रही होती है हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर कलर चेंज करा सकते हैं। अगर मैं मोनोक्रोम कर दूँ तो ये दिखाएगा कि कहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा कलर यूज़ हो रहा है। अगर ये हाईलाइट कर रहा है कि ये इसके अंदर कलर हो रहा है, अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो ये मुझे बता रहा होगा कि मैं ये कलर चेंज कर रहा हूँ। ये बता रहा है कि मैं रेड कॉन्ट्रास्ट पे हूँ तो रेड को थोड़ा सा इसने हाईलाइट कर दिया। मैंने कहा अगर दिखाऊँ रेड को इसने हाईलाइट किया हुआ है, डार्क एरिया तो वो डार्क कर रहा है, जहाँ लाइट लाइट एरिया ये उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। इससे हमने प्ले कर लिया, मैंने कहा ये कलर पे सॉरी इसको नॉर्मल ही रखो तो ही हमें समझ आएगा। ये देखो ग्रीन कलर कितना ज़्यादा हो गया, बट क्या हुआ एक इफेक्ट आ गया, एक अच्छा सा लुक आ गया वीडियो के अंदर। मैंने कहा ब्लू थोड़ा सा बढ़ाओ, सी ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये इस तरह का इफेक्ट एक पिक्चर के अंदर एक लुक आ जाता है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो ये अच्छा से एक इन्वायरमेंट देगा। ये रेड और ब्लू को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है, यानी मशीनरी जो ब्लैक कलर की थी ये थोड़ा सा ब्लू की टोन में ही चले गई। ये ओरिजिनल कैसा था दिखते हैं, ये देखो इस तरह के इफेक्ट देखिए। जैसे अगर मैं बताऊँ कि इंस्टाग्राम के अंदर आपके पास एक डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम जो आप यूज़ करते होंगे जिसके अंदर जिसको हम फिल्टर कहते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। फिल्टर के साथ भी हम इसी तरह से प्ले करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास यही सिचुएशन आ जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, फिल्टर पे लगाएंगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है कि ये हमारे पास एक कलर करेक्शन का पार्ट है, और कलर करेक्शन हम बहुत डिफरेंट तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। जिसके अंदर हमने जो है वो कलर चेंज देखा, कलर टू चेंज देखा, कलर मिक्सचर देखा, इस तरह से हम ये कलर देख रहे हैं। ब्रॉडकास्ट कलर, अगर मैं ब्रॉडकास्ट का क्विक एक रिव्यू दे दूं, इसको मैं डिलीट कर दूं, ब्रॉडकास्ट भी कलर हो जाएगा तो एक अच्छी चीज़ रहेगी कि हम एक नया कर सकेंगे। ये कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, एज सच आपको कुछ ख़ास कलर करके नहीं देगा। ये देखो रेड के ऊपर हाईलाइट और इस तरह से करके दे रहा है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने दिखा दिया। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट इम्पॉर्टेंट है, हाँ, इसके अंदर ब्राइटनेस अगर आप बढ़ाना चाहें कॉन्ट्रास्ट आपके कलर को शार्प करेगा, ठीक है, ब्राइटनेस उसके अंदर की लाइटनेस करेगा। ये ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है, बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या काम कर सकते। तो ये हमारे पास एक अच्छा इफेक्ट दे देगा, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के साथ हम मिलकर ये भी इफेक्ट लगाएंगे तो हम इसको देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारे पास जो क्लास का टॉपिक था वो मेन टॉपिक वही जो ऑरेंज हमने जो लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि वो किस तरह से बनेगा वो था, और ये कलर बैलेंसिंग थी कि हम किस तरह से कलर बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पास इक्वलाइजर है, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास कलर मिक्सचर हो गया, कलर बैलेंसिंग है, ठीक, कलर बैलेंस हो गया, कलर बैलेंस HSL ह्यू लाइटनेस एंड सैचुरेशन, ये चीज़ें, इक्वलाइजर है, फास्ट कलर है, ये डिफरेंट डिफरेंट है ये वही टाइप जो हमने अभी यूज़ किए थे उसी टाइप के ही हैं। लेकिन इनके अंदर क्या सिचुएशन है, इनके अंदर सिचुएशन है कि डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे कोई कर्व पे काम करता है, कोई किसी तरह से काम कर रहा होता है, RGB के अंदर कर्व यूज़ कर रहा होता है, टिंट के ऊपर काम कर रहा होता है, वीडियो लिमिटर है। ये हम डेफिनेटली आगे आगे क्लासेस के अंदर देखेंगे क्या क्या काम करते रहेंगे, तो हमें थोड़ा सा और भी अच्छा लुक आता रहेगा वीडियो के अंदर। क्योंकि वीडियो के अंदर सिचुएशन ये होती है कि वीडियो के अंदर हम इन्वायरमेंट के अंदर तो डेफिनेटली कलर डिफरेंट यूज़ कर ही रहे होते हैं, लेकिन हमें अपना कलर बनाने के लिए एनवायरनमेंट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा होता है कि हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास कलर करेक्शन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आजकल हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो कलर करेक्शन का ही है, और अगर मैं नेक्स्ट क्लास में भी कलर करेक्शन कराऊंगा तो इसी तरह की कोई वीडियो होगी उसके ऊपर रख के करेंगे ताकि हमारे पास एनवायरनमेंट यही मिले और एक अच्छा सा लुक दे दे, तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें इस तरह की कोई वीडियोस शूट करें, डेफिनेटली आजकल तो घर पे ही हैं सारे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कुछ वीडियो शूट करके देखें, रिकॉर्ड करके देखें क्या चीज़ है, यूट्यूब से कहीं से डाउनलोड करके देखें कि अगर एनवायरनमेंट की आपको वीडियो मिल रही है क्या काम हो रहा है, तो एक थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा आपके पास,
ठीक है, तो बाकी ये है कि इस तरह की वीडियो बनाएं और वीडियो बना के कुछ दिखाएं मुझे, काम तो अच्छा कर रहे हैं आप लोग, तो बस ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको डेफिनेटली आज की सॉरी आपकी जो है 16 अप्रैल की क्लास जो है वो आपको उसी दिन मिल जाएगी। ठीक है, ये आज आपकी क्लास है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।